ज्यादातर महिलाओं के चेहरे पर हल्के रोएं होते हैं, लेकिन जब यही रोएं मोटे होने लगे या दाढ़ी जैसे दिखने लगे तो महिलाओं के लिए यह समस्या का सबब बन जाता है। आमतौर पर देखने में यह आता है कि महिलाओं के चेहरे पर दाढ़ी उगने की एक आम वजह जेनेटिक है। चेहरे पर बाल उगना महिलाओं के लिए शर्मनाक स्थिति बन जाती है। इस वजह से अक्सर महिलाएं चिकित्सकों के पास जाने से बचती हैं, जबकि अपनी समस्या को इग्नोर करने की वजह से आप किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ सकती हैं। इस वीडियो में जानिए कि महिलाओं के चेहरे पर बाल किन बीमारियों की वजह से निकल सकते हैं। कुशिंग्स सिंड्रोम, यह एक तरह की मेडिकल कंडीशन है। कुशिंग्स सिंड्रोम होने की वजह से महिलाओं के एड्रिनल ग्लैंड में प्रॉब्लम होने लगती है, जिस वजह से शरीर में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन सामान्य से अधिक बनने लगता है। कोर्टिसोल स्ट्रेस से जुड़ा हार्मोन है। जब कोर्टिसोल ग्लैंड में समस्या होने लगती है तो महिलाओं के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं। कई मामलों में यह भी देखा गया है कि महिलाओं के चेहरे पर बहुत ज्यादा बाल उगाते हैं। कुशिंग्स सिंड्रोम होने पर महिलाओं के चेहरे पर बाल उगने के अलावा वेट गेन करना, बीपी बढ़ना, पीरियड से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। पीसीओएस, पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, आमतौर पर महिलाओं के चेहरे पर इसी बीमारी के कारण बाल उगते हैं। पीसीओएस होने पर महिलाओं की ओवरी में सूजन हो जाती है। ओवरी में सूजन के कारण महिलाओं के अंदर वुमेन्स हार्मोन का संतुलन गड़बड़ाने लगता है। जो महिलाएं पीसीओएस से ग्रसित होती हैं, उन्हें कई तरह की अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, जैसे एकाएक वजन का बढ़ना, बाल झड़ना और अनियमित महावारी का होना। इस तरह के किसी भी लक्षण दिखने पर महिलाओं को तुरंत चिकित्सकों के पास जाना चाहिए। हाइपरट्राइकोसिस, यह एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो महिलाओं और पुरुष दोनों में देखी जाती है। इसे वेयरवुल्फ सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थिति अपने आप में कोई बीमारी न होकर किसी अन्य बीमारी की वजह से हो सकती है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म या HIV। इसके अलावा कुछ दवाओं के सेवन से भी यह समस्या हो सकती है। हाइपरट्राइकोसिस होने की वजह से कान, नाक के टॉप पर बाल उगने लगते हैं। उपरोक्त बताई गई बीमारियों के अलावा भी महिलाओं के चेहरे पर बाल उगने के कई अन्य वजहें हो सकती हैं, जैसे एक, एंजाइम्स की कमी होना। महिलाओं के शरीर में जब एंजाइम की कमी होती है तो इससे उनके शरीर में मेल हार्मोन बढ़ने लगते हैं, नतीजतन उनके चेहरे पर बाल उगने लगते हैं। दो, मेल हार्मोन का बढ़ना। कई बार महिलाओं के शरीर में मेल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरॉन बढ़ने लगता है। इस वजह से भी महिलाओं के चेहरे और शरीर के कई अन्य हिस्सों में बाल आने लगते हैं। तीन, दवाइयों के सेवन से। कुछ मामलों में चेहरे पर बाल उगने का एक कारण दवाइयों का सेवन भी है। अगर महिला किसी दवाई का बहुत ज्यादा सेवन करने लगती है तो उसके साइड इफेक्ट के तौर पर उनके चेहरे पर बाल उगने लगते हैं।